तो फ्रेंड्स आज ये जानेंगे कि सनमाइका कटिंग कैसे होता है, सनमाइका लेमिनेट सादा लेमिनेट और एक्रेलिक और पीवीसी लेमिनेट का क्या प्रोसेस रहता है वो आज आपको दिखाते हैं। जैसे ये नॉर्मल सनमाइका है तो नॉर्मल सनमाइका को काट के दिखाते हैं। ऐसे नहीं तोड़ना है उनको कि ये प्रॉपर कटिंग होवे उसी प्रकार से करना है। इसकी अलग ब्लेड आती है कंपनी के द्वारा तो उससे कटिंग होता है। जैसे ये ब्लेड हैं इस तरीके की ब्लेड आती है उनके द्वारा वो कटिंग होता है बराबर से। जैसे अभी पूरा पूरा लंबा पट्टा सीधा काटना हो प्रॉपर अच्छी तरीके से तो पहले मार्किंग कर दिया जाता है। मार्किंग यानी अपने को मार्किंग के लिए पेंसिल का ज़्यादातर यूज करना है। पेंसिल से क्या धागा निकल जाता है और पेन से धागा नहीं निकलता है फिनिशिंग वर्क के टाइम में। और ऐसे पूरी की पूरी ये जो लंबी वाली पट्टी रहती है वो सीधी लंबी पट्टी से क्या रहता है कि पूरा सीधा रहता है। जैसे अपना शटर बेंड हुआ या सीधा नहीं रहता है तो इससे सीधा रहता है। ये इस तरीके से कटिंग हो जाती है। अभी मान लीजिए यहाँ पे एक्रेलिक लेमिनेट है, पीवीसी लेमिनेट के लिए तो वी ग्रूव वाला ब्लेड की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे समझ लीजिए कि एक्रेलिक लेमिनेट है तो एक्रेलिक लेमिनेट में भी प्रोसेस सेम ही रहता है काटने का। कटर चलने के बाद में अभी आपको बताता हूँ। अभी जैसे कटर चलने के बाद में अपने नॉर्मल लेमिनेट में तो ऐसे बेंड करते थे, ऐसे बेंड करके तोड़ते हैं, और एक्रेलिक लेमिनेट में उसको उल्टा उल्टा कटिंग करेंगे। ताकि उल्टा कटिंग करने का रीजन ये है आपको बता दूं कि ऐसे उल्टा कटिंग करेंगे तो उसमें कांच की तरह लंबी दूर दूर तक यानी 6 mm 8 mm तक वो दाने बन जाएंगे। और ऐसे में उल्टा करेंगे तो वो प्रॉपर एक लाइन में ही कटेगा। सो थैंक यू गाइज़।